अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देख सकते हैं ये कंसिस्टेंट का A61 मदरबोर्ड है और इसमें कंसिस्टेंट का NVMe भी लगा है 256 GB। पर हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है कि ये बोर्ड में जब हम लोग लगा करके कर रहे हैं तो NVMe डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल से बताऊँगा कि इसको कैसे क्या करना नहीं करना है। तो चलिए वीडियो तक बने रहे, वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं बोर्ड को हम लोग ने ऑन किया है। ऑन करने के बाद यहाँ बायोस में जा करके भी आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बूट ऑप्शन में आ नहीं रहा है, बट यहाँ पे हम लोग का NVMe लगा है, यहाँ पर आ नहीं रहा ऑप्शन। तो जा एडवांस में भी आपको दिखाते हैं, NVMe कॉन्फ़िगरेशन में जा करके चेक करते हैं, यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा है। तो इसमें एक शॉर्टकट है, इसमें एक आपका टेक्निक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं NVMe साटा NVMe करके लिखा है और यहाँ पे एक स्विच जैसा बना है, ठीक है, ये पोर्शन में आपको देखना है और यहाँ पे एक स्विच है, उसको ऊपर की तरफ खींच देना है, मतलब उसको ऑफ ऑन करना है। तो हम लोग बंद करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विच है, ये स्विच को जस्ट ऊपर की तरफ कर देना है, ठीक है। अब हम लोग ऑन करके देखेंगे, देख सकते हैं स्विच ऊपर की तरफ में है, पहले स्विच कोई और जगह में था, अब यहाँ पे आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ गया कंसिस्टेंट का NVMe लिख करके 256 GB, जो उस वक्त नहीं आ रहा था, यहाँ पे लगाया और स्विच का पोजीशन देख लीजिए। तो बस सिर्फ स्विच ऊपर करना है, आपका ये इनेबल हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।